तो नमस्कार दोस्तों, आज का मैं जो टॉपिक में वीडियो लेकर गया हूँ, आज हमारा जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग के ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे का हमारा पार्ट है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो दिया था और मैंने आपको ये बोला भी था कि मैं आपको कम से कम 15 से 20 वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ। ये 15 से 20 वीडियो उन बच्चों के लिए है जो मोबाइल फोन में से जो बेसिक चेकिंग से संबंधित है कि आप मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करते समय आप मोबाइल फोन को बेसिक चेकिंग कैसे करेंगे। मोबाइल फोन रिपेयरिंग बेसिक चेकिंग कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन को हम लोग रिपेयरिंग के तौर पर हम लोग बेसिक चेकिंग कैसे करते हैं। कि ज्यादातर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लोग फोन करते हैं ट्रेनिंग के लिए, सीखने के लिए, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग से संबंधित कभी कोई प्रॉब्लम आती तो भी पूछते हैं, या मैं फील्ड में जाता हूँ तो भी लोगों से मिलता हूँ तो मैं देखता हूँ जो लोग दुकान चला रहे हैं मोबाइल फोन रिपेयरिंग के तौर पर, वो सिर्फ इस मल्टीमीटर का उपयोग दोस्त सिर्फ ओनली बैटरी चेक करने के लिए और स्पीकर रिंगर चेक करने के लिए करते हैं और उसके बाद मल्टीमीटर ऐसे ही रखा रहता है, उसका कुछ भी नहीं उपयोग करते। वो मोबाइल फोन के अंदर बैटरी के अंदर और भी जो फीचर होते हैं उनका ये बिल्कुल भी नहीं यूज करते। सिर्फ क्या करते हैं, बैटरी चेक किया, स्पीकर रिंगर चेक किया, जो भी उनको समझ में आया उल्टा सीधा चेक किया, रख दिया। लेकिन वो मोबाइल फोन को रिपेयरिंग के तौर पर चेकिंग बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन आज मैं आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग के चेकिंग ऊपर वीडियो मैं आपको देने वाला हूं। ये हमारा क्लास सेकंड वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में मैंने दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन को कितने तरह के पार्ट्स होते हैं जो मोबाइल फोन को चलाते हैं, कितने तरह की चीजें होती हैं जो मोबाइल फोन को ऑपरेट करते हैं, जो हम लोग मोबाइल फोन के रिपेयरिंग के तौर पर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन आज जो हम लोग जो सीखने वाले हैं, आज हम जो समझने वाले हैं, वो मोबाइल फोन रिपेयरिंग के तौर पर जितने भी सारे मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन में से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को आने का मेन जड़ जो होता है वो अंदर का मदरबोर्ड होता है। क्या होता है दोस्त, मदरबोर्ड। मोबाइल फोन में 90% जो टेक्नीशियन है जो आजकल मोबाइल फोन मदरबोर्ड को रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो रिपेयरिंग के तौर पर वो सिर्फ क्या जानते हैं, मोबाइल फोन में से पार्ट्स चेंज करना, मोबाइल फोन में से कंपोनेंट्स के बारे में, या मोबाइल फोन में से मदरबोर्ड में कॉम्बो चेंज कर दिया, यूआई चेंज कर दिया, पता चेंज कर दिया। लेकिन जहां पर मदरबोर्ड रिपेयरिंग की बात आती है तो मदरबोर्ड रिपेयरिंग के नाम पर वो बिल्कुल जीरो है। पीसीबी को जहां पर बोर्ड रिपेयर करने की बात आती है तो पीसीबी के नाम पर बिल्कुल जीरो है। वो पीसीबी को कुछ नहीं जानते, पीसीबी को सिर्फ प्लेट जानते हैं, सप्लाई कार्ड जानते हैं, इसको साफ सूफ किया, हीट किया, नहीं ठीक हुआ तो मना कर दिया, बस मोबाइल फोन खत्म। तो इसी तरीके से आज मैं दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये मैं आपको पीसीबी के बारे में बताने वाला हूँ, मदरबोर्ड के बारे में बताता हूँ, मदरबोर्ड के बारे में आगे की चेकिंग मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं इटे के सुट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप है इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्सेस हम आपको कराते हैं। और यहाँ हम आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं, पूरा जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सभी मोबाइल फोन को बनाने का तरीका सिखाते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। जितने भी मोबाइल फोन आएंगे वो सारे मोबाइल फोन को हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे, मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका क्या होता है, मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, या मोबाइल फोन में से जो प्रॉब्लम्स आते हैं उन प्रॉब्लम्स को आप कैसे रिपेयर कर पाएंगे, उसका तरीका हम लोग सिखाते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने, ये सारी जो वीडियो है ये सारी डेमो वीडियो है। इस डेमो वीडियो के माध्यम से आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि हम मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कैसे सीखेंगे, या हम लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग की ट्रेनिंग के बारे में कैसे जानेंगे। इन सब चीजों के माध्यम से हम लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं और सीखते हैं मोबाइल फोन में से मदरबोर्ड को चेक करना, प्लेट को चेक करना, सप्लाई कार्ड को चेक करना। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, हमारे मोबाइल फोन के अंदर के मेन चीज जो होती है, मेन आत्मा होती है, वो होती है पीसीबी। क्या होता है दोस्तों, पीसीबी। इस पीसीबी को ही हम लोग बोलते हैं प्लेट, इस पीसीबी को ही हम लोग बोलते हैं मदरबोर्ड, इस पीसीबी को ही हम लोग बोलते हैं सप्लाई कार्ड। क्या बोलते हैं, सप्लाई कार्ड। तो हमारे मोबाइल फोन के अंदर मेन बोर्ड के तौर पर देखा जाए, मेन सप्लाई के तौर पर देखा जाए तो हमारी पीसीबी होती है, प्लेट होती है, मदरबोर्ड होती है, सप्लाई कार्ड होता है। तो जो भी दोस्त रिपेयर किया जाता है तो सब इसी सप्लाई कार्ड में ही रिपेयर किया जाता है, बाकी चीजें हमारे मदरबोर्ड में कोई रिपेयरिंग के तौर पर या इन सब चीजों के तौर पर नहीं होता, सिर्फ मदरबोर्ड ही रिपेयर होता है, बाकी सारी चीजें सिर्फ डायरेक्टली सीधे सीधे क्या की जाती है, चेंज की जाती है, सीधे बदली जाती है, उनको दूसरा लगाया जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि हम लोग मदरबोर्ड को कैसे चेक करेंगे। अब देखिए मदरबोर्ड के तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे मोबाइल फोन में से इस तरीके से हमारा पीसीबी बोर्ड आता है। इस पीसीबी बोर्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो ब्लैक कलर की लगी होती है,
वो हमारे मोबाइल फोन के अंदर आईसी लगी होती है ब्लैक कलर, सर उसमें हाईलाइट हो रहा है। तो इसमें जो मोबाइल फोन के अंदर जो ब्लैक कलर की लगी होती है, काली काली लगी होती है, ये हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो लगी होती है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आईसी बोलते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल फोन के अंदर जो छोटे छोटे लगे होते हैं इनको हम दोस्त बोलते हैं कंपोनेंट। मोबाइल फोन के अंदर जो ब्लैक कलर के लगे होते हैं इनको हम लोग आईसी बोलते हैं, जो छोटे छोटे लगे होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। आपके मोबाइल फोन के अंदर जो प्लास्टिक के लगे होते हैं जैसे चार्जिंग जैक, बैटरी कनेक्टर, सिम जैक, हैंड फ्री जैक, ऑन ऑफ स्विच, तो इस तरीके से जितने भी सारे लगे होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कनेक्टर। क्या बोलते हैं दोस्तों, कनेक्टर। अब आपके मोबाइल फोन में एलसीडी जैक भी पाया जाता है, इस तरीके से कैमरे का जैक भी लगा होता है। तो इस तरीके से जितने भी सारे लगे होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टर बोलते हैं। तो हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो मदरबोर्ड होता है, इस मदरबोर्ड के अंदर जो ब्लैक कलर की लगी होती है इनको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, आईसी। क्या बोलते हैं, आईसी। हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो छोटे छोटे लगे होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। जो ये प्लास्टिक के लगे होते हैं जैसे सिम जैक, हैंड फ्री जैक, ये जितने भी सारे लगे होते हैं छोटे छोटे इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जैक बोलते हैं। तो हमारे फोन के अंदर जो पीसीबी बोर्ड होता है, इस पीसीबी बोर्ड के अंदर या तो छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं या तो मोबाइल फोन में से जैक लगे होते हैं या तो मोबाइल फोन में आईसी लगी होती है। ये तीन चीजों से मिलकर के हमारा पूरा मोबाइल फोन बनता है। कोई भी मोबाइल फोन हो या मोबाइल फोन किसी भी कंपनी का मोबाइल फोन हो, सभी मोबाइल फोन के अंदर प्लेट के अंदर बस यही मेन तीन चीजें लगी होती हैं और यही तीन चीजें हमारे पूरे मोबाइल फोन को चलाती हैं। अब सबसे पहली बात, ब्लैक कलर की जो लगी इनको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, आईसी। ये प्लास्टिक के लगे इनको जैक बोलेंगे, इनको हम लोग कंपोनेंट बोलेंगे। अब इसी चीज को दोस्तों मैं आपको एक बार मदरबोर्ड में खोल करके आपको दिखाता हूं कि मदरबोर्ड में से आप इसको कैसे पहचानेंगे। जैसे मेरे पास एक मदरबोर्ड है, मैं आपको इस मदरबोर्ड में से इन सब चीजों को आइडेंटिफाई कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। जैसे आप देखेंगे ये मेरे पास पूरा प्लेट है, इस प्लेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी लगे होते हैं प्लास्टिक के लगे होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैक बोलते हैं। आपके मोबाइल फोन जो ब्लैक कलर के लगे होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आईसी बोलते हैं। आपके मोबाइल फोन के अंदर जो छोटे 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 जो लगे होते हैं इनको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर के जो छोटे छोटे लगे होते हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट। जो ब्लैक कलर के लगे होते हैं इनको हम आईसी बोलेंगे। तो ये सब चीजों से जैक, कंपोनेंट्स, आईसी, तो तीन कैटेगरी में हमारा मोबाइल फोन बना होता है। जितने भी मोबाइल फोन पाए जाते हैं, किसी भी कंपनी का मोबाइल फोन हो, सभी कंपनी के मोबाइल फोन के अंदर ये जो लगे होते हैं इनको हम लोग जैक बोलते हैं, जो छोटे छोटे लगे होते हैं इनको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं, और ये जो ब्लैक कलर के लगी होते हैं इसको हम लोग आईसी बोलते हैं। तो तीन कैटेगरी, सबसे नंबर वन कंपोनेंट्स, जैक और आईसी, तीन चीजें ही पूरे हमारे मोबाइल फोन को चलाती हैं, चाहे वो मोबाइल फोन किसी भी कंपनी का हो, नोकिया, एलजी, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, टेक्नो, लावा, कार्बन, इन्फिनिक्स, इंटेक्स, माइक्रोमैक्स, किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, सभी कंपनी के अंदर मोबाइल फोन के अंदर जो बोर्ड लगा होता है उस बोर्ड के अंदर तीन कैटेगरी होती है। अब यही तीन कैटेगरी जो होती है वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होने लगती है। कैसे डिवाइड होने लगती है मैं आपको उसके बारे में भी मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए हमारे पास जो पीसीबी के अंदर ये जो तीन चीजें होती हैं, यही तीन चीजें कई अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। पीसीबी को चलाने के लिए, पीसीबी बोर्ड को चलाने के लिए हमारे फोन के अंदर टोटल 14 तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। चाहे वो मोबाइल फोन ओप्पो का है या मोबाइल फोन वीवो का है या मोबाइल फोन रियलमी का है, जितने भी मोबाइल फोन पाए जाते हैं सभी मोबाइल फोन के अंदर पीसीबी बोर्ड को यूज करने के लिए पीसीबी बोर्ड के अंदर 14 तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। अब वो 14 तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है उसका नाम होता है रजिस्टर। सबसे पहला कंपोनेंट होता है उसका नाम क्या होता है, रजिस्टर। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट होता है उसका नाम होता है कैपेसिटर। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट होता है क्वाइल, डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफॉर्मर, क्रिस्टल, मॉस्फेट। तो ये इतने तरह के जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो हमारे पूरे मोबाइल फोन को चलाते हैं, इन ये जो पार्ट्स आते हैं ये हमारे कंपोनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हमारे मोबाइल फोन में और भी लगे होते हैं,
उसके बाद एक और आता है आईसी। तो हमारे मोबाइल फोन में ये जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं ये हमारे मोबाइल फोन को चलाते हैं, ये पार्ट्स जो लगे होते हैं ये भी हमारे मोबाइल फोन को चलाते हैं। उसके बाद फिर आपकी और भी आ जाते हैं ईटीसी। ईटीसी का मतलब एक्स्ट्रा और भी होते हैं, छोटे मोटे लगे होते हैं, जैसे आपके मोबाइल फोन को चलाने के लिए एंटीना यूज होता है, एंटीना का वायर यूज होता है, बीपीएफ यूज होते हैं, एलडीओ यूज होते हैं, बॉडी के पार्ट्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे मोबाइल फोन में ये जितने भी सारी चीजें जो लगी होती हैं ये सारी चीजें मिल करके हमारे मोबाइल फोन को चलाते हैं, क्या काम करते हैं, मोबाइल फोन को ऑपरेट करते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक चीज खराब हो जाएगी तो हमारा मोबाइल फोन काम करना बंद कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जितने भी सारे चीज जो मैंने आपको बताई है इन्हीं सभी चीजों के बारे में मैं आपको चेक करना सिखाऊंगा कि आप मोबाइल फोन को इसको कैसे चेक कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप लोगों ने इन सब चीजों के बारे में जानकारी ले लिया, इन सब चीजों के बारे में सीख लिया, तो आपको मदरबोर्ड चेक करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कोई मोबाइल फोन नहीं जिस मोबाइल फोन का मदरबोर्ड ना चेक कर लो। मैं इतनी बार सिक्योरिटी के साथ में कहता हूं, अगर आप ये मेरा 15 से 20 दिन का जो क्लास होता है अगर आप सभी लोग ज्वाइन कर लोगे, ज्वाइन करने के साथ साथ ऐसा नहीं ज्वाइन करना, इसको ज्वाइन करने के साथ साथ पूरा समझना है, कॉपी में नोट करना है और उसको अच्छे से कोई भी प्लेट कोई भी खराब प्लेट आपस में ढूंढ लो, ढूंढने के बाद मल्टीमीटर के माध्यम से उसको प्रैक्टिस करना है, उसको चेक करना है, ताकि आप इन चीजों को बहुत सही तरीके से बिल्कुल इजीली तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप सभी चीजों को चेक कर पाए, सारी चीजों को रिपेयर कर पाए, सारी चीजों को ठीक कर पाए। क्यों ठीक कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि आप इन सब चीजों को बड़ा आसान तरीके से चेक कर पाएंगे। जैसे पीसीबी बोर्ड को चेक करने का मतलब होता है रजिस्टर को चेक करना, कैपेसिटर को चेक करना, कॉइल चेक करना, डायोड चेक करना, ट्रांजिस्टर चेक करना, ट्रांसफॉर्मर चेक करना, क्रिस्टल चेक करना, मॉस्फेट चेक करना, जैक चेक करना, डिस्प्ले टच हो गई, बैटरी हो गई, स्पीकर रिंगर माइक वाइब्रेटर आईसी एंटीना एंटीना वायर बीपीएफ एलडीओ और बॉडी, बॉडी की सारी चीजों को चेक करना। तो ये जितने भी सारी चीजें जो लगी होती हैं ये हमारे मोबाइल फोन में से मदरबोर्ड को चलाती हैं, पीसीबी को चलाती हैं, ये इतनी सारी चीजें मिल करके हमारे मदरबोर्ड में से लगी होती हैं। इन्हीं सब चीजों को हम लोग चेक करना सीखेंगे, इसी चेकिंग को हम लोग दोस्तों बोलते हैं बेसिक चेकिंग। जब आपको बेसिक चेकिंग आ जाएगा तो बेसिक चेकिंग का मतलब होता है किसी भी मोबाइल फोन की प्लेट को चेक कर सकते हो। तो दोस्त आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे आगे की वीडियो में। और ये जो वीडियो में मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करी है, आप इसको अच्छे से नोट करिए, अपने प्लेट में प्रैक्टिस करिए, मदरबोर्ड में देखिए, अगर आपको हूबहू मिलता है तो दोस्त मैं इतनी बार सिक्योरिटी के साथ में कहता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। और अगर हमारी वीडियो एक बार देखने के बाद आपको नहीं समझ में आती तो आप उसको एक बार दो बार तीन बार चार बार देखो, ये ट्रेनिंग के ट्यूटोरियल वीडियो है। अगर इस वीडियो को आप देख लोगे, इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ सीख लोगे, तो आप दोस्त जब मेरे पास सीखने के लिए आओगे तो भी आपको ये सब चीजें सीखने में समझने में काम करने में बहुत मदद मिलेगी। और हम चाहते हैं कि जितने भी सारे हमारे जो ऐसे मोबाइल फोन रिपेयरिंग के टेक्नीशियन है जो मोबाइल फोन की रिपेयरिंग के लाइन में काम करना चाहते हैं या मोबाइल फोन की रिपेयरिंग में लाइन में जुड़ना चाहते हैं, तो इन वीडियो के माध्यम से वो ये भी जजमेंट कर सकते हैं कि आपको कैसे सिखाया जाता है, किस तरीके से आपको समझाया जाता है। तो दोस्त आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक पे, नई वीडियो पर और इसके आगे के पार्ट के ऊपर। मैंने जैसे बोला कि मैं 15 से 20 टॉपिक आपको देने वाला हूँ, सभी वीडियो को अच्छे से देखिए, हम आपको एक एक करके वीडियो देने वाले हैं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छे समझ में आती है तो दोस्त आप अपने फ्रेंड सर्कल में हमारी वीडियो को शेयर करिए, हमारी वीडियो को आप अपने स्टेटस पे लगाइए। अगर आपको वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमारी वीडियो को आप अपनी स्टोरी पे लगाइए। और अगर आप इसी तरीके से अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे आप फोन करिए, हमारा नीचे स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर 6391711711 6391211211 दोनों किसी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। पूरे दिन के अंदर क्लास चलते हुए वीडियो कॉल से आप क्लास भी देख सकते हो। अगर आप क्लास में से लाइव ज्वाइन होना चाहते हो तो आप हमें वीडियो कॉल करके आप कैमरे के माध्यम से आप हमारी वीडियो कॉल को अटेंड भी कर सकते हो। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो दिन भर के अंदर कम से कम दो चार बच्चे ऐसे हैं जो डेमो क्लास अटेंड करते हैं,
वो क्लास में चलते हुए वीडियो को देखते हैं कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, और आप आएंगे तो किस तरीके से आपको सिखाया जाएगा। तो इन सब चीजों को आप इजीली वहीं से बैठ करके देख सकते हैं। और अगर ये सब चीजें जो सीख रहे हैं इनको कॉपी में अच्छे से नोट करो, ताकि आपको ये सब चीजें लिखने के बाद जब आप लिखोगे ना, ऐसा बनाओगे ना, तो समझ लीजिए मैं आपके अंदर घुस जाऊंगा। और जब मैं आपके अंदर घुस जाऊंगा तो हमारी सारी बातें आपको समझ में आएंगी, और जो मैंने आपको समझाया है उस प्रैक्टिकल तरीके से आप कर पाएंगे। और इसके टॉपिक के साथ साथ कल मैं आपको, कल के जो आगे का जो टॉपिक आपको मिलेगा, तो मैं जितने सारे नए लोग हैं तो मैं उन लोगों के लिए ये भी सिखाने वाला हूँ कि पीसीबी रिपेयर करने के साथ साथ वो मोबाइल फोन को पहचान कैसे पाएंगे। आज भी मैं आपको बताता हूँ कि 90% लोग ऐसे हैं, जो 50% लोग ऐसे हैं जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हैं, उनके पास कोई भी मोबाइल फोन आता तो ओप्पो वीवो रियलमी टेक्नो लावा ये तो पहचान जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं पहचान पाते कि ये वीवो Y12 है, ओप्पो A3s है, रियलमी C11 है, वीवो का V50 मॉडल है, V30 मॉडल है, कौन सा मॉडल है, उस मॉडल को नहीं पहचान पाते। ये सारी चीजों के बारे में आपको कल अगली वीडियो में बताऊंगा और आप वीडियो के माध्यम से अच्छा सीखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए, सीखने के लिए थैंक यू।